ऑल राइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वो बेसिकली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है। और इसमें हमने बात की है कि किस तरह से HTTP प्रोटोकॉल जो है बेसिकली वो किस तरीके से आपको सिक्योरिटी हेडर्स प्रोवाइड करता है, और सर्वर का काम क्या है कि उन हेडर्स के थ्रू वो ब्राउजर को कम्युनिकेट कर देता है जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है सर्वर की। यानी वो ऐसे हेडर होंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए ब्राउजर को बताया जा सकता है कि किस तरीके से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से बचना है, क्लिक जैकिंग को कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये हम सारे हेडर्स अभी तक एग्जामिन कर चुके हैं। उसके अलावा हमने देखे हैं कि किस तरीके से कुकीज़ को इस्तेमाल करते हुए कुकीज़ की वजह से क्या वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस होती हैं, कुकीज़ का फ़ायदा क्या होता है और मसाइल क्या होते हैं, और किस तरीके से वेरियस हेडर्स को इस्तेमाल करते हुए कुकीज़ को भी सिक्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हम कर चुके हैं। अभी तक जो हमने चीज़ नहीं डिस्कस की वो है कि एज वेब डेवलपर्स आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो किस तरीके से सर्वर HTTP के हेडर सिक्योरिटी हेडर को सेट करेगा, ठीक है। यानी कागज़ में, कागज़ पेंसिल से तो हमने बात कर ली है, प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो भी HTTP का सर्वर रिस्पांस पैकेट भेजता है उसके अंदर ये हेडर फील्ड होती है, उस हेडर का डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, पर इन रियलिटी कोडिंग के थ्रू इस चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है, आप कैसे कोड लिखते हैं कि आपका जो सर्वर है वो ब्राउजर को सिक्योरिटी हेडर सेंड कर दे रिस्पॉन्स पैकेट में, तो वो बेसिकली हमने आज देखना है मिडलवेयर के टॉपिक में। उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि कौन से टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोर किया जा सक एवेल्यूएट किया जा सकता है कि जो वेब एप्लीकेशन बनी है, जो वेब पेज बना हुआ है वो कितना सिक्योर है, ठीक है। क्या नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं उसमें जो कि एड्रेस नहीं होती, और क्या उसकी वीकनेसेस हैं जिनको एड्रेस करना लाजमी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जिन पर हमने आज डिस्कशन करनी है। पहला जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी इवेल्यूएट करने का, कि आपने कोई वेब पेज या कोई एप्लीकेशन बनाई है तो अब कैसे आप इवेल्यूएट करेंगे कि ये सिक्योर है कि नहीं। तो उसके लिए एक जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो है क्रोम ब्राउजर के अंदर ही एक लाइट हाउस का टूल होता है, ठीक है। तो अपना ब्राउजर खोलें, उसके अंदर आप देखेंगे कि कोने पे एक तीन डॉट्स होते हैं जिसपे मेन्यू आइटम आ जाता है, उस पर क्लिक करें तो मेन्यू में मोर टूल्स की ऑप्शन होती है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें डेवलपर टूल्स की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करें, ठीक है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन टैब में आ जाएंगी, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपका जो वेब पेज है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें अगर कोई मैसेज आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई लॉग है, कोई एरर मैसेज है, तो वो कंसोल पे डिस्प्ले हो सकता है, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से हेडर गए हैं, क्या पैकेट्स गए हैं, क्या रिसीव हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इन टैब्स में अवेलेबल होगी, नज़र आ जाएगी। और जो आखिरी टैब इसमें नज़र आ रहा है वो है लाइट हाउस का। तो ये बेसिकली टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ब्राउजर, आप अपने वेब पेज की सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे क्लास, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, ऑलराइट, थैंक यू, ठीक है। तो लाइट हाउस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज नजर आएंगी, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी, SEO। तो परफॉर्मेंस बेसिकली क्या करता है, परफॉर्मेंस आपको बताता है कि ये जो वेब पेज है इसमें कोई परफॉर्मेंस इश्यूज तो नहीं है, कोई बॉटलनेक तो नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो कि आपकी बैंडविड्थ बहुत कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल पेज लोड होने में कितना टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस पेज की परफॉर्मेंस में आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपका आ जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए अच्छी समझी जाती हैं कि कौन सी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, तो ये सारी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस में
जो आपके सिक्योरिटी हेडर्स हैं वो भी आ जाते हैं कि आपने अगर सिस्टम को सिक्योर करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में कवर हो जाती हैं। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी की कैटेगरी है जो कि आपको बेसिकली बताती है कि आपका जो आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है, जो वेब पेज बनाया है, वो सिर्फ जो नॉर्मली एबल्ड लोग हैं, जिनकी आंखें ठीक हैं, जो सुन सकते हैं, जो उनके लिए सिर्फ यूजफुल होगा, या फिर अगर कोई ऐसा है जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, ठीक है, नज़र नहीं इतना सही आता, सुनने के उसे मसले हैं, या पे कोई कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनके लिए ये पेज इक्वली एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है ये आपको इस कैटेगरी के अंदर वो कवर हो जाता है। और SEO जो है ये कैटेगरी बेसिकली बताती है कि आपने जो पेज बनाया है, जो एप्लीकेशन डेवलप की है, वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है, सर्च इंजन पे वो कैसे लिस्ट होगी, उसके डिफरेंट पेजेस हैं वो नज़र आएंगे, कैसे आएंगे, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि सर्च इंजन ट्रैक ना कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन कैटेगरीज में कवर हो जाती हैं। अगर आप ये सारी कैटेगरीज को क्लिक करेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आएगी जो कि आपके पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी, SEO, इन सारों के ऊपर आपको रिपोर्ट कर देगी, ठीक है। और इस कोर्स में जो हमारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर भी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वेब सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा डिवाइस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप डेस्कटॉप के लिए इसे एवेल्यूएट करना चाहते हैं, या आप इस वेब पेज को फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के लिए एवेल्यूएट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिबिलिटी जो है वो फ़र्क हो जाती है, यानी आपका डेस्कटॉप है, बड़ा डिवाइस होता है, आपकी स्क्रीन बड़ी होती है, तो उस पर एक्सेसिबिलिटी के रूट फ़र्क है। मोबाइल जिसमें आप जगह कम होती है, उंगलियां मोटी होती हैं, मल्टीपल बटन हैं, उनके बीच में कितनी स्पेस होगी ताकि आप एक बटन को क्लिक करें तो दूसरा ना क्लिक हो जाए, तो वो मोबाइल के अंदर रूल्स फ़र्क होते हैं कम्पेयर टू डेस्कटॉप के, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप अलग-अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एनीवे, तो जो भी कैटेगरी आपको चाहिए और जो भी डिवाइस के लिए आप देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप जनरेट रिपोर्ट का जो बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर लें। तो इसके जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको एक पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ऊपर आपको इस तरह का एक बॉक्स नजर आएगा, यानी स्कोरिंग होगी, परफॉर्मेंस का स्कोर 18 है, एक्सेसिबिलिटी का स्कोर 77 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके अंदर सिक्योरिटी भी आ जाती है उसका सिक्योर इस केस में 80 है। बाय द वे, ये मैंने UMT का होम पेज जो था उसको क्रोम लाइट हाउस के अंदर इवेल्युएट किया, ठीक है, और SEO का स्कोर जो है वो 69 है। तो बेसिकली ये स्कोर क्या शो कर रहा है कि एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो है कि परफॉर्मेंस जो है वो इस वेब पेज की इतनी अच्छी नहीं है, यानी इसमें काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहे हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, जिनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जितना कम स्कोर होगा वो उतना वो कैटेगरी जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही है, और रेड का मतलब है कि ये सीरियस इशू है जिसे एड्रेस कर लेना चाहिए, ऑरेंज का मतलब है कि ठीक है, एवरेज है बेसिकली कि इम्प्रूव किया जा सकता है, पर अगर अभी आप इम्प्रूव नहीं भी करते तो शायद इतना मसला ना हो, और ग्रीन का मतलब है कि चीज़ें बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इस कोर्स से आपको नज़र आते हैं कि परफॉर्मेंस इस वेबसाइट की बहुत ही बुरी है, ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो UMT का पेज डेवलप करते वक्त फॉलो की गई हैं, विच मीन्स कि सिक्योरिटी भी जो है चांसेस आर कि इसमें काफ़ी अच्छी होगी। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी वाइज भी ये पेज बुरा नहीं है, और SEO वाइज जो है एवरेज परफॉर्मेंस है, इम्प्रूव की जा सकती है। आइडियली वी वुड वांट कि ये चारों स्कोर जो है ये ग्रीन में होने चाहिए, यानी 90 से लेके 100 तक होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट की एक समरी मिल जाती है, आपको एक समरी स्कोर मिल जाता है। अब आप इन चारों आइटम्स के ऊपर बारी बारी क्लिक करके उस कैटेगरी के अंदर जो डिटेल्ड इश्यूज थे उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हमारा फोकस क्योंकि सिक्योरिटी पे है तो हम सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस में जितने भी इश्यूज थे और जितने प्लस पॉइंट्स थे उनकी आपको एक रिपोर्ट जो है वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है। इस लेक्चर के लिए मैंने उन
सरों में से जो इम्पोर्टेंट थे जिनका ताल्लुक एग्जैक्ट सिक्योरिटी के साथ था उनके मैंने स्क्रीनशॉट लेके लेक्चर में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो पहला जो सिक्योरिटी इशू है वो ट्रस्ट एंड सेफ्टी की कैटेगरी में आ जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर ही, और ये इशू है कि लिंक्स टू क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन आर अनसेफ। बेसिकली क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन का क्या मतलब है कि पेज यूएमटी का है और इसके अंदर एक ऐसा लिंक है जो कि यूएमटी के अलावा किसी डोमेन को जो है वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्स आपने मंगवानी है तो वो रिसोर्स जो है वो यूएमटी की डोमेन के सर्वर पे नहीं होगा, वो किसी और सर्वर के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, और आपको बाय द वे नीचे नजर भी आ रहा है कि एक जो आइटम है वो है ए डॉट मोर इवेंट्स जो कि क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन के साथ लिंक कर रहा है, और उसके अलावा लिंक्डइन का एक बटन बना हुआ है, ये बटन भी जो है ये भी किसी क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन के साथ यानी लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली क्रॉस ओरिजिन का मतलब ये है कि आप यूएमटी के पेज पे हैं और इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो यूएमटी के बाहर किसी और डोमेन को चली जाएगी। अब रिक्वेस्ट जाने में मसला क्या होता है कि रिक्वेस्ट के साथ यूजुअली आप कोई अपना डेटा भी भेज रहे होते हैं, यानी कुकी भेज सकते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन भेज सकते हैं। पिछले लेसन में जो हमने एग्जांपल देखा था कि आपकी वेबसाइट है fancyanimation.com और आपका ब्राउजर लेट सपोज लॉग्ड इन था सुबह किसी और दिन फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट में, और जब आप fancyanimation.com को खोलते हैं तो क्लिक जैकिंग के थ्रू आपको बताए बगैर वो एक रिक्वेस्ट भेज देती है वेबसाइट आपके बैंक वाले पेज को nationalbank.pk फॉर एग्जाम्पल। तो उसका मसला क्या था, उसका मसला ये था कि अगर आपका ऑथेंटिकेशन टोकन भी वो साथ भेज दिया है तो उससे क्या होगा कि बेसिकली वो आपके अकाउंट को हाईजैक करके अपनी मर्जी की ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्रॉस ओरिजिन आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो उसे सिक्योर करने के तरीके भी होते हैं। एक तो है कि क्रॉस ओरिजिन आप बिल्कुल ही पाबंदी लगा दें, एक्सेस करें ना। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जो होती है जो कि लाइट हाउस जो है क्रोम लाइट हाउस ये आपको सजेस्ट भी कर देता है, और इन दिस केस इसने सजेस्ट किया है कि आपने जो लिंक इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, एक तो लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर रहा है, दूसरा जो है मोर इवेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इस लिंक की आप एक एट्रीब्यूट सेट कर दें, उस एट्रीब्यूट का नाम रेल होगा और उसकी वैल्यू या तो नो ओपनर हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू आप नो रेफरर रखते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आप दोनों एक्सटर्नल लिंक के साथ इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब एक चीज आती है नीचे जो आपको इमेज नजर आ रहा है लिंक्डइन वाला, इसमें लिंक्डइन का भी एक लिंक है, ट्विटर का भी एक लिंक है, फेसबुक का भी एक लिंक है। ठीक है, तो क्या वजह है कि इसने प्रॉब्लम जो है सिर्फ लिंक्डइन के अंदर आइडेंटिफाई किया है? इसने ये क्यों कहा कि लिंक्डइन जो है उसका क्रॉस ओरिजिन लिंक जो है वो खतरनाक है, ट्विटर और फेसबुक के जो क्रॉस ओरिजिन लिंक है वो खतरनाक नहीं है, इसकी क्या वजह? ठीक है, तो उसकी वजह ये एक वजह हो सकती है, मैंने डिग डीप नहीं किया, एक वजह ये हो सकती है कि लिंक्डइन ने जो है वो rel is equal to no opener या rel is equal to no referrer के एट्रीब्यूट सेट नहीं किया, और ट्विटर और फेसबुक के जो लिंक्स हैं शायद उन्होंने ये एट्रीब्यूट सेट कर दिए हो अपने लिंक्स के अंदर, तो इसलिए वो सिक्योर है और लिंक्डइन सिक्योर नहीं है। तो अब सवाल ये आते हैं कि rel और नो ओपनर और नो रेफरर ये बेसिकली करते क्या हैं? तो बेसिकली क्लास आपने अगर HTML की हुई है तो आपको याद होगा कि HTML में एक फॉर एग्जांपल टैग होता था A का, और A के अंदर एक एट्रीब्यूट होता था href, और href इज इक्वल टू करके आप एक URL स्पेसिफाई कर देते थे। तो ये टैग बेसिकली क्या करता था कि इस टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी आइटम था उसको ये एक लिंक के अंदर कन्वर्ट कर देता था, एक हाइपर लिंक के अंदर। ठीक है, तो ये एक टैग है और ये एक एट्रीब्यूट है। आप ए टैग के अंदर href के अलावा और एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट हो सकता है rel का, और उस rel एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है नो ओपनर या नो रेफरर फॉर एग्जांपल। ठीक है,
और ये जो है ये सिर्फ ए टैग में नहीं होता, ये एरिया टैग या फॉर्म टैग इस तरह के और टैग्स हैं जो भी लिंक कर रहे होते हैं उनके अंदर ये वाली एट्रीब्यूट और ये वाली वैल्यूज आ सकती हैं। अब बात यह कि नो ओपनर और नो रेफरर करते क्या हैं, तो पहले नो रेफरर की बात करते हैं। अगर कोई भी लिंक है जिसके अंदर rel इज इक्वल टू नो रेफरर का एट्रीब्यूट आपने और उसकी वैल्यू सेट की है, तो बेसिकली क्या होगा कि ब्राउजर को पता लग जाएगा कि अगर मैंने इस लिंक को रिक्वेस्ट भेजनी है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट के साथ कोई भी रेफरर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। रेफरर का क्या मतलब है कि आपके ब्राउजर में आपने UMT खोला हुआ है, UMT के पेज के अंदर एक लिंक्डइन का लिंक है। अब अगर उस लिंक के अंदर rel इज इक्वल टू नो रेफरर किया हुआ है स्पेसिफाई, तो क्या होगा कि अगर आप क्लिक करते हैं लिंक्डइन पे, तो ब्राउजर जो है UMT के पेज से एक रिक्वेस्ट भेजेगा लिंक्डइन के सर्वर को, ठीक है, पर वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसके अंदर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहा होगा, यानी कुकी अगर आपका कोई है तो वो नहीं जाएगा, लिंक्डइन का कुकी है वो नहीं जाएगा, कोई ऑथेंटिकेशन टोकन है फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन का ऑथेंटिकेशन टोकन है वो नहीं साथ जाएगा, अगर कोई और इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी रिक्वेस्ट के साथ जा सकती है। पर अगर rel इज इक्वल टू नो रेफरर का एट्रीब्यूट सेट है, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन पे ब्राउजर नहीं भेजेगा, और ये इंफॉर्मेशन ना भेजने का फिर फायदा क्या है कि बेसिकली हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि आपका क्लिक जैकिंग में आपके साथ धोखा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पेज में लॉग्ड इन थे फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक के पेज में, और आपको कोई ऐसा मलिशियस पेज खोल दिया fancyanimation.com का फॉर एग्जांपल, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक रिक्वेस्ट जो है वो नेशनल बैंक के सर्वर को चली जाती है, तो अगर ये नो रेफरर की वैल्यू सेट नहीं होगी तो क्या मसला होगा कि आपका ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा और उस रिक्वेस्ट के साथ जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो भी चला जाएगा। On the other end, अगर ये लिंक के साथ rel is equal to no referrer की वैल्यू सेट है, एट्रीब्यूट सेट है, तो इन दैट केस ब्राउजर को पता होगा कि अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है तो एटलीस्ट मैं उसके साथ कोई फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कुकीज ऑथेंटिकेशन टोकन या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो इससे आपको नजर आता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो काफी सिक्योर हो जाती है, रिक्वेस्ट चली जाएगी फाइन, पर उसके साथ कोई आपका प्राइवेट डेटा नहीं जाएगा। और बाय द वे इंफॉर्मेशन सिर्फ आपकी ये ऑथेंटिकेशन टोकन कुकीज की हद तक महदूद नहीं है, आपके UMT के पेज पे अगर आपका यूजर नेम है आपका पासवर्ड है तो वो इंफॉर्मेशन भी जा सकती थी, सही है, पर अगर आपने नो रेफरर कर दिया तो फिर रिक्वेस्ट के साथ वो इंफॉर्मेशन भी नहीं जाएगी, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा जो लाइट हाउस ने सजेस्ट किया है वो है rel इज इक्वल टू नो ओपनर का। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल UMT का पेज है और इसके अंदर आपने एक लिंक को ब्राउजर ने लिंक को रिक्वेस्ट भेजी है जिससे एक नया पेज खुला है फॉर एग्जाम्पल पॉपअप है या कुछ भी, तो अगर rel इज इक्वल टू नो ओपनर की वैल्यू सेट है, एट्रीब्यूट सेट है, तो ब्राउजर को पता होगा कि नया जो पेज खुला है उसे इजाजत नहीं देनी कि वो पिछले पेज की किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, यानी UMT के पेज पे कोई टोकन पड़ा हुआ था, ऑथेंटिकेशन टोकन, कोई कुकी पड़ा हुआ था, कोई यूजर नेम पासवर्ड पड़ा हुआ था, तो नया पेज जो खुलेगा वो UMT के उस पेज पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये भी आपको एक सर्टेन प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं कहना भूल गया था कि अगर आपने नो रेफरर का एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है तो उसका फायदा ये होता है कि नो रेफरर के अंदर नो ओपनर का टैग भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है, यानी नो रेफरर जो है वो बेसिकली एक ज्यादा हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि नो रेफरर और नो ओपनर दोनों को कवर कर लेती है, ठीक है क्लास। तो ये जो है आपने लाइट हाउस इस्तेमाल किया तो उसने वेब पेज पे एक वीकनेस आपको आइडेंटिफाई कर दी, उसने आपको कह दिया कि आपने जो पेज डेवलप किया है उसके अंदर क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट जा रही है विच आर अनसेफ, साथ उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से
लिंक्स हैं जिन पे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जा रही है अनसेफ मैनर में, और साथ उसने आपको सजेशन भी दे दी कि अगर इसे सिक्योर करना है तो इन लिंक्स के अंदर rel इज इक्वल टू नो ओपनर या rel इज इक्वल टू नो रेफरर के एट्रीब्यूट डाल दो, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, दूसरी जो सिक्योरिटी है वो फिर आपका लाइट हाउस आपको क्या बता देता है कि अगर ब्राउजर में कोई एरर हुआ है तो वो एरर आपको बता देगा, ठीक है। यानी इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि आपका यूएमटी का पेज जब लोड करते हैं तो ब्राउजर में एरर आ जाता है, और वो एरर क्या आता है वो नीचे उसने उसकी डिटेल दी है। वो एरर है कि फेल्ड टू सेट रेफरर पॉलिसी, और इसकी फर्दर डिटेल दी है कि द वैल्यू वन सेमीकोलन मोड इज इक्वल टू ब्लॉक इज नॉट वन ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एरर क्या बता रहा है कि अगर आपने रेफरर पॉलिसी सेट करनी है, फॉर एग्जांपल ये देखें एचटीटीपी हेडर जो है उसका नाम है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, उस हेडर में जो एट्रीब्यूट है जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है रेफरर, और रेफरर के अंदर जो वैल्यू है वो हमने रेफरर पॉलिसी यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली। और वो वैल्यू क्या हो सकती है? वो वैल्यू हो सकती है नो रेफरर की, या वैल्यू हो सकती है नो रेफरर व्हेन डाउनग्रेड, या वैल्यू हो सकती है ओरिजिन, या वैल्यू हो सकती है ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, या फिर सेम ओरिजिन, या फिर स्ट्रिक्ट ओरिजिन, और या फिर स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, या फिर अनसेफ यूआरएल। तो अगर आपने कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कोलन रेफरर का एट्रीब्यूट सेट करना है तो उसकी जो वैल्यू पॉसिबल है वो इन 8 वैल्यूज में से है। अब ब्राउजर आपको कह रहा है कि इसने जो पेज लोड किया है उसके अंदर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कोलन रेफरर की जो वैल्यू सेट थी वो थी 1 सेमीकोलन मोड इज इक्वल टू ब्लॉक। तो वो कह रहे हैं कि ये तो कोई वैल्यू होती नहीं है, ये तो कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। जो लीगल वैल्यूज हैं वो उसने बता दी हैं, वो 8 वैल्यूज हैं, उनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो अगर उससे हट के कोई वैल्यू है तो ब्राउजर समझ जाएगा कि चांसेस आर कि वेब डेवलपर से या तो कोई गलती हुई है या कोई टाइपो हुआ है, तो वो बता देगा। अब इस एरर मैसेज को देख के जो आपका वेब डेवलपर है उसे समझ आ जाएगी कि जो सेट रेफरर पॉलिसी थी यानी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कोलन रेफरर, तो वो समझ जाएगा कि इसकी वैल्यू सेट करने में मेरे से गलती हुई है, ठीक है। ब्राउजर क्या करेगा? ब्राउजर बता देगा कि ये वैल्यू क्योंकि ठीक से सेट नहीं हुई तो इसलिए मैंने डिफॉल्ट पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, और डिफॉल्ट पॉलिसी का मतलब है नो रेफरर, विच मीन्स कि अगर इस पेज से किसी और डोमेन को कोई कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई मेरे तरफ से ब्राउजर की तरफ से तो उसके अंदर मैं कोई रेफरर इंफॉर्मेशन यानी कुकीज ऑथेंटिकेशन टोकन कोई फॉर्म इंफॉर्मेशन ये कुछ भी नहीं भेजूंगा, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। तो डिफॉल्ट बेसिकली वो होता है ना वो फेल सेफ सिक्योरिटी वाली बात कि अगर फेलियर हो रहा है तो आप ऐसा ऑप्शन रखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सिक्योर हो। तो वही ब्राउजर ने यहाँ पे किया है कि नो रेफरर जो है वो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि अगर गलती हुई है तो ब्राउजर कहते हैं मैं पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजूंगा। और डेवलपर को क्या फायदा होगा? डेवलपर को समझ आ जाएगी कि मैंने जो वेब पेज बनाया है वो जब ब्राउजर में लोड होता है तो उसमें जो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी रेफरर वाली इंफॉर्मेशन मैंने स्पेसिफाई की थी उसमें कोई गलती होगी है, तो वो फिर डेवलपर डिसाइड कर सकते हैं कि आया मैंने इस गलती को फिक्स करना है कि नहीं करना। इन सम केसेस डेवलपर कह सकते हैं कि ठीक है गलती मिनिमम मैं कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा तो इस पे टाइम और पैसा जाया करने की कोई तुक नहीं बनती, इसे जाने दो। या फिर डेवलपर ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने इसे फिक्स करने की कोशिश की तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई नई बग निकला है जिससे और कोई नए मसले निकला है, तो कहते हैं इसे ना ही छोड़ो तो बेहतर है, ठीक है। यानी रूल जो है कि डोंट फिक्स इट इफ़ इट एंट ब्रोकन, तो यही आ जाता है कि अगर कोई चीज़ जो है उसमें कोई बहुत सीरियस मसला नहीं है
उसे बिला वजह पे ठीक करने की कोशिश ना करें, वरना क्या होगा कि ठीक करते करते कोई और मसले निकल सकते हैं, ठीक है। पर एनीवे लाइटहाउस टूल का मकसद क्या है कि वो एटलीस्ट ब्राउजर वो डेवलपर को बता देते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो रही है, अगर तुम फिक्स करना चाहते हो तो इसे फिक्स कर लो। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, तो ये हमने लाइट हाउस टूल जो है उसने कुछ आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करके दे दिए कि ये वल्नरेबिलिटीज थी। अब ये आपको कुछ बताते हैं कि बाकी जो मैंने टेस्ट किए थे जो पास हुए हैं उनकी क्या डिटेल है। तो एक जो पहले, और बाय द वे जो आपका फेलियर होता है या कोई वल्नरेबिलिटी होती है वो रेड में होती है, और जो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो पास हुए टेस्ट वो सारे ग्रीन में होता है। तो एक टेस्ट जो पास हुए वो है कि Your website uses HTTPS. Lighthouse basically आपको बता रहा है कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो पेज और इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनकी अलग URL exist करती है, जिन्हें रिक्वेस्ट करना है, वो सारे के सारे HTTPS के ऊपर चल रहे हैं, which is a good sign, क्योंकि HTTPS जो है वो आपके web communication को जो है वो secure कर देता है। दूसरा जो test pass किया है वो है कि your application avoids requesting the geolocation permission on page load. Basically ये बता रहा है कि आपकी जो application है वो जब browser पे load होती है तो वो browser से आपकी geolocation जो है, यानी user जो है उसकी geolocation जो है वो नहीं मांगेगा, ठीक है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये, याद रखें कि आपका जो है, आप जब किसी पेज को लोड करते हैं और कोई मलेशियस फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी जियो लोकेशन या इस तरह की इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है उसे कैप्चर करके किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है या किसी मलेशियस यूजर के साथ शेयर कर सकता है। और जियो लोकेशन जो है, यानी आपके घर का पता फॉर एग्जाम्पल, वो काफ़ी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपका पेज ऐसा है कि वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, तो लाइट हाउस इस बात को आइडेंटिफाई करके डेवलपर को इन्फॉर्म कर देगा कि तुमने जो वेब पेज बनाया है उसकी अच्छी बात है कि वो यूजर से किसी भी तरीके से जियो लोकेशन की परमिशन नहीं ले सकता। इसके अलावा क्या टेस्ट पास हुए? तो एक टेस्ट है कि इट अवॉइड, यानी एक और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि योर वेब एप्लीकेशन अवॉइड रिक्वेस्टिंग द नोटिफिकेशन परमिशन ऑन पेज लोड। यानी आप कभी देखते हैं कि पेज लोड होता है तो एक मैसेज बॉक्स खुलता है, वो आपसे इजाज़त मांगते हैं कि किसी भी चीज़ की इजाज़त मांगता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें क्लिक जैकिंग और इस तरह के मसले होने के अंदेशा होता है। तो अगर आपने वेबसाइट ऐसी बनाई है कि उसमें कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन परमिशन वाला पेज लोड नहीं होता, पॉपअप नहीं खुलता, तो वो लाइट हाउस आपको बता देगा कि अच्छी बात है कि नहीं खुलता, आपका वेब पेज जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके अलावा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके यूएमटी के पेज का, वो है कि इट अवॉइड फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज विद नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। इस पर हम थोड़ी देर में दोबारा आएंगे, पर ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि लाइट हाउस चेक करते हैं कि आपने जो वेब पेज लोड किया है, फॉर एग्जाम्पल यूएमटी का वेब पेज, उसके अंदर कौन कौन सी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। फिर वो चेक करते हैं डेटाबेस से कि ये जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं इनके अंदर कोई वेल नोन वल्नरेबिलिटी या वीकनेस है कि नहीं, यानी कोई ऐसी वीकनेस है जो कि सारी दुनिया को पता है। अगर है और अगर उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके आपका नुकसान, यूजर का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसका मतलब है कि लाइट हाउस जो है इन्फॉर्म कर देगा कि खतरनाक किस्म की जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी ऐसी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही है जिनके अंदर कोई नोन वीकनेस नहीं है, तो वो फिर लाइट हाउस वेब डेवलपर को आपको बता देगा कि ठीक है, आपने जो पेज बनाया है इसमें कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसकी मुझे वीकनेस पता हो। पर हैविंग सेड दैट, इससे गारंटीड नहीं है कि उस लाइब्रेरी में वाकई कोई वीकनेस है कि नहीं है। यानी ये भी हो सकता है कि उस वेब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में कोई वीकनेस, कोई वल्नरेबिलिटी हो, पर अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई ना की हो, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली फिर लाइट हाउस आपको बस इतना बता देता है कि अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक जो इस पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज इस्तेमाल हुई हैं उनके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और आखिरी जो बात एक और आ जाती है वो है कि लाइट हाउस ये भी आपको बता देता है,
एक और जो टेस्ट आपकी वेबसाइट ने पास किया है वो है कि योर वेबसाइट अलाउज द यूजर टू पेस्ट इनटू द पासवर्ड फील्ड। ठीक है, इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज का मकसद क्या है? ठीक है, तो क्लास इस बात का मकसद ये होता है कि देखें, जब आप पासवर्ड बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करते हैं ना, तो उसमें एक खतरा होता है कि आपका कोई कंप्यूटर के अंदर की लॉगर चल रहा होगा जो कि आपने जो भी बटन टाइप किए हैं उनको रीड कर लेगा और फिर किसी मलिशियस यूजर के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये खतरनाक बात है। पर जब आप पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चीज टाइप करने की बजाय कॉपी कर लेते हैं, तो वो जो कॉपी वाली चीज है इसको की लॉगर रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर वेब पेज जो है वो पासवर्ड फील्ड के अंदर कॉपी पेस्ट की इजाजत देता है, तो लाइट हाउस जो है डेवलपर को बता देगा कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो इस लिहाज से सिक्योर है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ क्लास? बेसिकली हम टूल देख रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगला जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो था कि इट अवॉइड्स एप्लीकेशन कैश। तो बेसिकली आपकी जो भी वेब ऐप होती है, जो भी वेब पेज होता है, इट इज पॉसिबल कि वो कैशिंग इस्तेमाल कर रहा हो। तो एक जमाना था जब एप्लीकेशन कैश इस्तेमाल होती थी, फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता था। अब जो है नया कैशिंग का फ्रेमवर्क आ गया हुआ है, तो अगर आपकी वेबसाइट अभी भी पुराना वाला इस्तेमाल कर रही है तो उसका मतलब है कि जो उस पुराने वाले के साथ वल्नरेबिलिटीज थी वो आपके पेज के अंदर इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, इसलिए वाइट हाउस आपको बता देते हैं कि आप जो कैश इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो पुरानी डेप्रिकेटेड वाली है या वो नई वाली है, क्योंकि अगर नई वाली इस्तेमाल हो रही है तो चांसेस आर कि जो पुरानी वाली थी उसकी वीकनेसेस को एड्रेस कर लिया होगा। और याद रखें, अगर कोई लाइब्रेरी या अगर कोई भी चीज डेप्रिकेट हो जाती है तो उसका मतलब है कि अब लोगों ने जो उसके क्रिएटर थे उन्होंने अब उसको मेंटेन करना, उसे फिक्स करना छोड़ दिया। तो अब अगर उस डेप्रिकेटेड फ्रेमवर्क के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर आपको कोई मसला नजर आया, कोई वल्नरेबिलिटी हुई, तो उसको फिक्स करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए लाइट हाउस आपको बता देते हैं कि आप अगर कोई डेप्रिकेटेड चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट हाउस बता देते हैं कि इसकी नई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वुड बी मोर सिक्योर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और जो एंट्री है जो आपको नजर आ रही है वो है कि लाइट हाउस बेसिकली वेब डेवलपर को बता रहा है कि आपके पेज में जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज डिटेक्ट हुई थी, पर ग्रीन लाइट का मतलब है कि वो सारी लाइब्रेरीज जो है उनमें किसी भी लाइब्रेरी में कोई नॉन वल्नरेबिलिटी नहीं है। यानी एक लाइब्रेरी जो इसने डिटेक्ट की है वो है बूटस्ट्रैप और उसकी वर्जन है 4.4.1। एक और लाइब्रेरी है जेक्वेरी जिसकी वर्जन है 3.5.1। फिर रिएक्ट की लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, फिर कोर जेएस की लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये नई वर्जन है तो ग्रीन लाइट का बेसिकली मतलब है कि आपको लाइट हाउस बता रहे हैं कि जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई है वो सारी की सारी सिक्योर है, उनमें कोई नॉन वल्नरेबिलिटी नहीं है। और इस पॉइंट पे हम थोड़ी देर में दोबारा आते हैं। दूसरी चीज जो ये बता रहे क्रोम लाइट हाउस, ये बता रहे हैं कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो डेप्रिकेटेड एपीआई इस्तेमाल नहीं कर रहा। दिस इज ऑल्सो गुड साइन कि बेसिकली डेप्रिकेटेड एपीआई इस्तेमाल करने का मतलब है कि पुरानी एपीआई इस्तेमाल हो रही हैं जिनको अब और किसी ने मेंटेन करना भी छोड़ दिया हुआ है। तो उसके अंदर अगर कोई अटैक हुआ, कोई वल्नरेबिलिटी नजर आई, कोई वीकनेस नजर आई, तो उसे फिक्स करने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपने अपने वेब पेज में उसे इस्तेमाल किया तो आपका वेब पेज जो है वो वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है क्लास, तो ये बेसिकली जो है ये आपको यूएमटी के कुछ सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है वो नजर आके कि वेब पेज में क्या वीकनेसेस हैं और इस वेब पेज में क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें एड्रेस किया गया। अब इसको कंपेयर करते हैं jio.tv को का जो इवेल्युएशन है। ठीक है, यानी यूएमटी के बाद मैंने jio.tv का पेज खोला था और फिर उसे जो है मैंने लाइट हाउस क्रोम लाइट हाउस के अंदर इवेल्युएट किया था। ठीक है, तो उसकी भी काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई थी, पर जो मेन क्रूशियल डिफरेंस जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि अब देखें ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में एक चीज तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है कि वेब पेज लिंक्स टू क्रॉस ओरिजिन डेस्टिनेशन एंड इज अनसेफ। ठीक है, दे आर अनसेफ। तो ये बेसिकली यूएमटी में भी मसला था और जियो के साथ भी मसला है।
पर एक खास चीज जो कि सिर्फ जियो में मसला है और जीएमटी में मसला नहीं थी, वो नीचे आपको नजर आ गया। ये बेसिकली आपको लाइट हाउस बता रहा है कि जियो डॉट टीवी का जो होम पेज है वो दो लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की एक बूटस्ट्रैप 3.3.7 वर्जन और दूसरा जेक्वेरी 1.11.1 वर्जन। और साहब से बता रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरीज है इनमें नॉन वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, यानी बूटस्ट्रैप में 5 नॉन वीकनेसेस हैं और जेक्वेरी की इस वर्जन के अंदर 4 नॉन वीकनेसेस हैं। और साथ लाइट हाउस बता देते हैं कि ये वीकनेसेस एग्जिस्ट तो करती हैं पर इनकी जो थ्रेट सिवेरिटी है वो मीडियम है, यानी आपने अगर फिक्स कर दिया तो अच्छी बात है, ना किया तो कोई बहुत खास नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज को आप कंपेयर करें जो यूएमटी की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से, ठीक है, यानी जियो ने जो इस्तेमाल किया है वो बूटस्ट्रैप है और उसकी वर्जन 3.3.7 है, जबकि यूएमटी ने जो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया है उसकी वर्जन 4.4.1 है। और क्योंकि 4.4.1 ज्यादा रिसेंट वर्जन है तो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर कोई नॉन वीकनेस नहीं है, जबकि जियो के अंदर जो वर्जन इस्तेमाल हुई है 3.3.7 उसमें आपको नजर आ रहा है कि 5 वेल नोन वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर द नेक्स्ट लाइब्रेरी, उसमें आपको नजर आ रहा है कि जियो ने जेक्वेरी की वर्जन 1.11.1 इस्तेमाल किए, जबकि यूएमटी जो है उसने जेक्वेरी की वर्जन 3.5.1 इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये मोर रिसेंट वर्जन है तो इसलिए आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर तो कोई वीकनेस वल्नरेबिलिटी नहीं है, अलबत्ता जियो ने जो इस्तेमाल किया है उसके अंदर 4 वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइट हाउस जो है ये आपको एक काफी डिटेल में आपको रिपोर्ट कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हुई है क्या नहीं हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि वल्नर अगर आपको पता लग भी जाए कि जेक्वेरी या बूटस्ट्रैप जो है उसकी पुरानी वर्जन में वल्नरेबिलिटी काउंट 5 है या 4 है तो इसका अटैकर को क्या फायदा होगा, इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो यहां पे फिर जवाब आता है कि इंटरनेट के ऊपर वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट के डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि आपका कोई भी लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत सी वेबसाइट है, आप उसमें जाके स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी की कौन सी वर्जन है जिसकी नॉन वल्नरेबिलिटीज आप जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट इस्तेमाल की है उसका नाम है snaik.io/test/npm और उसके बाद स्पेसिफाई किया है कि लाइब्रेरी जेक्वेरी है और उसकी वर्जन 1.11.1 है। ठीक है, तो जब ये यूआरएल में रिक्वेस्ट करता हूं तो बेसिकली जो पेज लोड होगा और जो आपको नजर भी आ रहा है उसके अंदर आपको वो बता देगा कि कितनी थ्रेट्स हैं, तो उसका नंबर 4 है, इनकी सिवेरिटी क्या है तो वो मीडियम है, और फिर जो है वो डिटेल में लिस्ट दे रहा है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। यानी पहली वल्नरेबिलिटी है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है, और साथ वो बता रहे हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कब आई थी, तो ये वल्नरेबिलिटी जेक्वेरी की वर्जन 1.11.1 में आई थी, और उसके बाद वो उसने मेंशन किया हुआ है कि इसका रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है, तो वो है कि आप अपनी जेक्वेरी की लाइब्रेरी को 3.5.0 पे अपग्रेड कर लें, अगर कर लेंगे तो एटलीस्ट ये वाली वीकनेस जो है वो एड्रेस हो जाएगी। यही काम मैंने बूटस्ट्रैप के साथ भी किया था, यानी उसी वेबसाइट पे मैंने स्पेसिफाई किया कि लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप है और उसका जो वर्जन है वो 3.3.7 है, तो वो बेसिकली वेब पेज मुझे बता देगा कि इसमें कौन कौन सी नॉन वल्नरेबिलिटीज है। क्लास, एक और बात आप याद रखें कि जो नॉन वल्नरेबिलिटीज होती हैं
हाँ ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है जो मैं कहने लगा था वो है कि वेब पेज एक तो आपको वल्नरेबिलिटी बताते हैं कि इन लाइब्रेरीज में क्या क्या नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं। दूसरी कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि आपको एक्चुअल एक्सप्लॉइट भी बता देती हैं, यानी वो फिर बताएंगी कि आपने जो लाइब्रेरी इस्तेमाल की है उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है और उस वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल कैसे करना है अगले बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो जो है वो एक्सप्लॉइट्स वाली वेबसाइट जो है वो फिर आपको डिटेल बताती है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अगले बंदे को अटैक या वेबसाइट को अटैक कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल ले लें कि मैंने जब JWT करवाया था, जेसन वेब टोकन्स, ठीक है, तो उस चैप्टर में मैंने वीकनेसेस भी बताई थी कि इसे ब्रेक करने का तरीका क्या है। और वहाँ पर जो बात मैंने स्पेसिफाई की थी वो मैंने यही की थी कि इसमें जो वीकनेस है वो बेसिकली अगर आप पुरानी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करें तो उनमें वल्नरेबिलिटीज है और उनको इस्तेमाल करते हुए आप JWT को क्रैक कर सकते हैं। यानी एक तरीका था कि आप स्पेसिफाई करते हैं कि JWT इस्तेमाल ही ना करो, यानी इवन दो वो टोकन मांगना है, सर्वर कह रहे हैं टोकन मांगना है, पर ब्राउजर जो है उसे इग्नोर कर दे, ठीक है। इस तरह की चीजें हमने बात की थी कि हो सकती हैं। तो वो ऐसे ही होते हैं कि आपने जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल की है उसका एक्सप्लॉइट एक बार आपको पता लग जाए तो उस एक्सप्लॉइट को इस्तेमाल करते हुए आप अपना अटैक कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टूल है जो हमने इस्तेमाल किया, यानी एक तो लाइट हाउस है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी देखने के लिए हमने snipe.io इस्तेमाल किया किसी भी लाइब्रेरी की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और जो टूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो याद रखें कि सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस असेस करने के लिए काफ़ी टूल्स बनाए गए हैं और काफ़ी कमांड लाइन बेस्ड टूल भी हो सकते हैं, वेब बेस्ड टूल भी हो सकते हैं, वेब ब्राउजर बेस्ड। और उनमें दो जो एग्जांपल हैं जो मैंने देखे हैं वो एक वेब पेज test.org है और एक securityheaders.com है। वेब पेज test.org ये भी बेसिकली आपको पूरी डिटेल बता देते हैं लाइट हाउस की तरह कि क्या चेंज्स हैं वेब पेज में, क्या वीकनेसेस हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और सिक्योरिटी हेडर्स जो है वो बेसिकली बताते हैं कि आपने जो भी वेब पेज बनाया है वो जब HTTP रिस्पॉन्स भेजते हैं ब्राउजर को तो उसके अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी हेडर जो है वो सेट किए गए होते हैं, ठीक है क्लास। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब मैं बता दूं कि ये टूल्स कराने का मकसद क्या होता है कि आप अगर कोई भी वेब डेवलपमेंट की नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फाइनल ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो रादर देन कि आप सिर्फ ये कहें कि हमें जावास्क्रिप्ट आती है, थोड़ी बहुत कोड लिखना आता है, तो वो हर किसी को आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जावास्क्रिप्ट तो नोन है कि हर कोई करके निकलेगा। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी आप इंटरव्यू पर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये एक वेब पेज बनाया था, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने क्रोम लाइट हाउस को इस्तेमाल करते हुए उस पेज के अंदर ये परफॉर्मेंस इश्यूज, ये सिक्योरिटी इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद एक बार वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो गई तो हमने उन्हें फिक्स कर दिया। तो ये चीज़ जो है ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन डालती है कि इंटरव्यूअर जो है उसे भी पता लग जाता है कि बंदा जो है बस कुछ छोटे मोटे मामूली कोड नहीं लिखता, इसे ये भी पता है कि इस कोड के अंदर कैसे परफॉर्मेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, कैसे सिक्योरिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, फिर कैसे उन्हें फिक्स करना है। तो ये जो है ये आपको बाकी प्रोग्रामर से जो है एक सेपरेट कर ली होती है। इसी मेरा मशवरा होगा कि जो मैं टूल्स वगैरह करा रहा हूँ इनको आप अपने हाथ से भी एक्सप्लोर कर लिया करें, इसे छोड़ ना दिया करें, थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा। और जब आप फाइनल ये प्रोजेक्ट करेंगे या वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज करेंगे तो मेरा मशवरा होगा कि उन प्रोजेक्ट्स में ये टूल भी इस्तेमाल कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप आगे शो भी कर सकें कि आपको ये चीज आती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है कि आप किसी भी वेब पेज, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को असेस करना चाहते हैं तो आप ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो हमने डिस्कशन करनी है आज की वो ये है कि अगर आप कोई, हमने ये तो आपको हमने क्लास में ये तो डिस्कस कर लिया है
कि अगर आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचते हैं तो आप कौन सा HTTP हेडर सर्वर भेजेगा ब्राउजर को, अगर आपने क्लिक जैकिंग से बचते हैं तो सर्वर जो है ब्राउजर को कौन सा HTTP सिक्योरिटी हेडर भेजेगा। तो ये सारी चीजें कागज पेंसिल से तो आपको करनी आती है, पर आप डेवलपर हैं तो एज अ प्रोग्रामर आप अगर कोई सर्वर बनाते हैं, वेब सर्वर जो कि ब्राउजर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ब्राउजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उस रिस्पॉन्स के अंदर HTTP के सिक्योरिटी हेडर जो है वो भी पड़े हों। प्रोग्रामेटिकली आपने करना, ठीक है, तो वो अब हमने जल्दी से डिस्कस करना है। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी काफी मिडलवेयर, काफी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने HTTP को सिक्योर भी कर सकें और HTTP के अंदर जो रिस्पॉन्स के अंदर जो हेडर्स वगैरह जा रहे हैं उन हेडर के अंदर आप HTTP सिक्योरिटी हेडर को स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है। काफी इसके लिए फ्रेमवर्क और टूल्स और लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, सॉरी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। हम जो है फोकस करेंगे सिर्फ एक पे और उसका नाम है Helmet.js, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कोर्स जो है ये सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों से इसीलिए पहले पूछा था कि कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए फिर इस कोर्स में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि Helmet.js एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और मैं सिंपल कोड आपको दिखा दूंगा कि आप अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो आप कैसे Helmet.js को इस्तेमाल करते हुए अपने सिक्योरिटी हेडर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कैसे होती है इस्तेमाल, लाइब्रेरीज कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, फ्रेमवर्क कौन से एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में कराया जाएगा जहाँ पे हम उस पर बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन, Helmet.js है क्या? बेसिकली ये Node.js का एक मॉड्यूल है जो कि आपको जो कि सर्वर को इनेबल करते हैं कि सर्वर जो भी रिस्पांस पैकेट भेज रहे हैं उसके अंदर कैसे HTTP के सिक्योरिटी हेडर्स को इनेबल किया जा सके। और ये किस किस्म की एप्लीकेशन के लिए वर्क करते हैं, तो बेसिकली आपकी वो एप्लीकेशन जो कि Express.js का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए बनी है, Helmet.js जो है ये उन एप्लीकेशन के लिए वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बड़े ज्यादा नाम नजर आ रहे हैं, हेलमेट भी आ गया, नोड भी आ गया, Express.js भी आ गया, तो इनकी फिक्र ना करें, ये चीजें आप वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में करेंगे जहाँ पे आप जो है सिर्फ अज्यूम कर लें कि Express.js और Node.js जो है ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है और Helmet.js जो है वो इन्हीं से एक लाइब्रेरी डिराइव हुई है जिसका काम सिर्फ ये है कि कैसे HTTP के सिक्योरिटी हेडर्स को सेट करना है, ठीक है। ऑलराइट, और ये HTTP हेडर्स हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे ये वही हैं जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग, इस तरह के अटैक्स जो है इनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और मैं फिर कह दूं कि हम सिर्फ सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे होंगे, हम सिर्फ यही देखेंगे कि हेलमेट है क्या और बहुत ही छोटा एग्जांपल देखेंगे इसे इस्तेमाल करने का, दैट्स इट। जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में सीखनी पड़ेंगी और मेरा मशवरा होगा कि सीख लेना, और जब आप वो सीख लेंगे और जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब जो है ये Helmet.js इस्तेमाल करना ताकि आपकी एक सिक्योरिटी की भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए HTTP हेडर सेट करने की। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको ये असाइनमेंट दे नहीं सकता क्योंकि क्लास में बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनको जावास्क्रिप्ट आती है, बाकी एक मेजर चंक है जिन्हें ना एक्सप्रेस का पता है, ना नोड का पता है, ना जावास्क्रिप्ट का पता है, तो वो हेलमेट कैसे करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो पहला जो हम एग्जांपल देख रहे हैं कोड एग्जांपल वो है कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है जो कि सर्वर को बता सके कि जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट आएगी उसके साथ अगर HTTP रिस्पॉन्स जा रही है तो रिस्पॉन्स के अंदर किस तरीके से HTTP के सिक्योरिटी हेडर को सेट करना है। तो इस कोड में क्या हो रहा है कि आप बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं, सर्वर को कह रहे हैं कि इस कोड के अंदर एक एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो, इंक्लूड कर लो,
उसके अलावा हेलमेट की जो लाइब्रेरी है उसे भी इंक्लूड कर लो। उसके अलावा अगली लाइन पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन बन रही है ये बेसिकली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। अब इन तीन लाइन का क्या मतलब है, मैंने आपको ब्रॉड लेवल पे बता दिया कि लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही है और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की बेसिस पे एक एप्लीकेशन बन रही है, दैट्स इट। आगे उसकी डिटेल क्या है, सिंटेक्स क्या है, पॉन्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेस राउंड ब्रैकेट क्या होते हैं, इसकी डिटेल इग्नोर करते हैं। और आखिरी लाइन जो हमने ऐड की है वो बेसिकली क्या कर रही है, एट डॉट यूज, और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो है हेलमेट राउंड ब्रैकेट्स। तो ये बेसिकली सर्वर को कह रहा है कि हेलमेट के अंदर जितने भी मिडलवेयर एग्जिस्ट करते हैं हेडर बनाने के लिए, यानी जिस चीज हेडर के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, उन सारों को यहाँ पे इनेबल कर दो, ठीक है। और वो कौन से है, हेलमेट डॉट कॉन्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये एक फ्रेमवर्क है। हेलमेट डॉट DNS प्रीफेच कंट्रोल, ये दूसरा फ्रेमवर्क है। हेलमेट डॉट एक्सपेक्ट CT, हेलमेट डॉट फ्रेम गार्ड, हेलमेट डॉट हाइट पावर्ड बाय, हेलमेट डॉट HSTS, ये HSTS हमने किया है। हेलमेट डॉट नो स्निफ, ये हमने देखा था कि माइम स्निफिंग को प्रिवेंट करता है। हेलमेट डॉट परमिटेड क्रॉस डोमेन पॉलिसी, हेलमेट डॉट रेफरल पॉलिसी, हेलमेट डॉट XSS फिल्टर, ये बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को फिल्टर आउट करेगा। तो अब बात ये है कि आपको नजर आ रहा है कि हेलमेट एक्चुअली सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा और आपके मिडलवेयर एग्जिस्ट करते हैं और हर मिडलवेयर का काम फर्क है। एक का काम जो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को इनेबल करना है, दूसरे का काम DNS प्रीफेच कंट्रोल को इनेबल करना है, अगले का काम हेलमेट डॉट एक्सपर्ट को फॉर एग्जाम्पल इनेबल करना है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन होती है, एक ऑप्शन है कि आप इस तरीके से कोड लिख लें तो उसमें जो है ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप शुरू की तीन लाइनें तो ऐसे लिख दें, उसके बाद आप ये ना लिखें, उसके बाद आप इनमें से एक एक करके वो लाइन लिखें जो कि आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो इसे आप लिख देंगे। DNS प्रीफेच कंट्रोल चाहिए, नहीं चाहिए, इसे आप डिलीट कर दें, ना लिखें। हेलमेट डॉट एक्सपेक्ट CT नहीं चाहिए, फ्रेम गार्ड नहीं चाहिए, हाइट पावर्ड बाय नहीं चाहिए, HSTS चाहिए, नो ओपन नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल नो स्निफिंग जरूरी है माइंड स्निफिंग से बचने के लिए, क्रॉस डोमेन पॉलिसी आपने स्पेसिफाई करनी है वो भी लाजमी है, रेफरल पॉलिसी स्पेसिफाई करनी है वो भी लाजमी है, एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फिल्टर करना है वो भी लाजमी है। तो बेसिकली रादर देन हर चीज को इंक्लूड करके अपना कोड ब्लोट करने के और अपना जो HTML का जो रिस्पॉन्स है उसको भी बहुत बड़ा करने के, आप क्या करते हैं, आप सिर्फ वो लाइन इंक्लूड कर लेते हैं अपने कोड में जो कि आपको मिडलवेयर चाहिए, बाकी को आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप अपने सर्वर को जो भी आप लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज ये इंक्लूड किया है, तो बेसिकली आप सर्वर को बता रहे हैं कि कॉन्टेंट्स सिक्योरिटी पॉलिसी का हेडर इंक्लूड करना है और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू डिफॉल्ट होगी, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है उसके साथ भेज दो। लेट्स सपोज हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम उसे चेंज करना चाहते हैं, कस्टम ऑप्शन सेट करने का क्या तरीका है, हम एग्जांपल लेते हैं हेलमेट डॉट रेफरल पॉलिसी का। लेट्स सपोज हमने हेलमेट फ्रेमवर्क से रेफरल पॉलिसी का जो HTTP हेडर है वो इंक्लूड करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। वंस अगेन आपकी जो शुरू की जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है वो आप कर लें, उसके बाद आप स्पेसिफाई कर दें कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्रेस टाइप की है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की बेसिस पे बनी है। उसके बाद ऐप डॉट यूज हेलमेट जो था इस लाइन को आप काटते हैं, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली सारे के सारे हेडर वाली लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर देगी और सारे के सारे हेडर्स को HTTP के रिस्पॉन्स पैकेट में इंक्लूड कर देगी। हम ये नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये वाला हेडर चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज लिखें, उसके अंदर जो ब्रैकेट में इनपुट पास करनी है उसे आप पास करेंगे हेलमेट डॉट रेफरल पॉलिसी। ये बेसिकली बता रही है कि हमने
HTTP के जो referral policy वाले headers हैं, उनको enable करना है, और उनके जितने भी attributes होंगे, उनकी values default होंगी, except अब ये curly braces के अंदर आपने एक object pass किया है, policy colon no referrer, ये basically बता रहा है कि referrer policy का जो आपका header है, उसके अंदर जो policy का attribute है उसकी जो वैल्यू है वो नो रेफरर है, ये सेट कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने सर्वर को बता दिया, अब सर्वर में से जितने भी पैकेट जाएंगे ब्राउजर को, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक HTTP सिक्योरिटी हेडर होगा, वो होगा रेफरर पॉलिसी का, और उसके अंदर एक उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे डिफॉल्ट होंगे, और जो पॉलिसी वाला एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू नो रेफरर होगी। और यही काम करने का एक और तरीका क्या है कि शुरू का कोड तो वही होगा, ऐप डॉट यूज में आपने, अब ये एक और एग्जांपल है, ऐप डॉट यूज में आपने क्या लिखा है, हेलमेट डॉट रेफरल पॉलिसी, और हेलमेट डॉट रेफरल पॉलिसी के अंदर आपने क्या चीज पास की है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉलिसी के एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पॉलिसी का जो एट्रीब्यूट है उसकी दो वैल्यूज है, बेसिकली एक वैल्यू है ओरिजिन कॉमा, दूसरी वैल्यू है अनसेफ यूआरएल। तो इन दोनों वैल्यूज का मतलब हम रहने देते हैं अभी, क्योंकि बिना वजह की कंफ्यूजन होगी। इस स्लाइड का बेसिक मकसद ये है कि आपको पता हो कि अगर कल को आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हुए कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो और उस वेब सर्वर में आप ये फीचर डालना चाहते हैं कि जब भी वो रिस्पॉन्ड करे ब्राउजर को, वो साथ हेडर के अंदर सिक्योरिटी फील्ड भी डाले, तो वो सिक्योरिटी हेडर इंसर्ट करने के लिए आपको हेलमेट अमंग अदर फ्रेमवर्क आप हेलमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसका मैंने कोड दे दिया है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही होंगी क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो इसलिए मेरा मशवरा है कि मेरा मकसद था कि ब्रॉड लेवल पर आपको चीज़ समझा दूँ। अब जब आप जावास्क्रिप्ट एक्चुअली सीखेंगे तब इस स्लाइड को दोबारा रिविजिट करना ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर बेसिकली सिंटैक्स वाइज क्या हो रहा था, ठीक है क्लास। तो ये बेसिकली आपका जो है सिक्योरिटी हेडर सेट हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसका टाइम नहीं है, तो ये आप खुद देख लेना, और मैं फिर स्ट्रांगली इंकरेज करूंगा कि आप इन टूल्स को एक दफा अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आगे जाके वो CV में, इंटरव्यूज में, प्रोजेक्ट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। तो इस चीज को इस्तेमाल कर लेना। एनी क्वेश्चन क्लास, any questions sir? वो assignment 1 और assignment 2 का आपने time बढ़ाना था यार, उसका मैंने time बढ़ा दिया था, ठीक है। जो acceptance जो folder acceptance वाला upload वाला जो folder है, sorry folder नहीं है, उसमें text box वाली जगह बनी हुई है, तो वहां पर मैंने specify कर दिया था कि ये 6 दिन ऊपर जो है ना, यानी जो deadline थी उसके बाद मैंने 6 और दिन दे दिए थे कि इस डेट तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ड्यू डेट थी उसके बाद 6 दिन और ऐड कर लें, उन 6 दिनों के अंदर जो है जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप अपना सलूशन पेस्ट कर देना, तो वो हो जाएगा। अगर उसके बाद आप पेस्ट करेंगे तब आपको मसला पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नजर नहीं आ रहा पर मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। और पोस्ट करने की कोशिश करें, अगर टेक्स्ट बॉक्स में आप नहीं पोस्ट कर सकते तो मुझे फिर बता दें, मैं फिर चेक करता हूँ कि क्या मसला है, शायद कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू हो, और मेरे ख्याल से मसला होगा नहीं आपको, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में आपने पेस्ट करना है। एनी अदर क्वेश्चन क्लास, ये लेक्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑलराइट देन, टेक केयर, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।